विराट कोहली बोले, दो तीन खिलाड़ियों के सहारे नहीं जीत सकते, हमें फिनिशर चाहिए। नमस्कार। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को कहा था कि शीर्ष क्रम की सफलता पर मध्य क्रम जब तक दबाव की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक भारत के लिए आईसीसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करना मुश्किल होगा। भारत ने पिछला आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था। टीम को कई बार प्रबल दावेदार माना जाता है, जिसमें टीम या तो कप्तान या फिर उपकप्तान रोहित शर्मा पर निर्भर रहती है। इस साल सभी की निगाहें T20 विश्व कप पर टिकी है और कोहली ने साल में पहली मीडिया बातचीत में साथी खिलाड़ियों से अपनी उम्मीदें जताई। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला के शुरुआती मैच से पहले कहा कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो छठे या सातवें नंबर तक अपने मैच जिताने के लिए तैयार रहे। ये बल्लेबाज लाइन अप में दो या तीन खिलाड़ियों पर निर्भर होना नहीं है। आप इस तरह से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, इसलिए हमारा मुख्य ध्यान खिलाड़ी को ऐसे हालात के जानकारी देना है कि और उनसे इस स्थिति में निडर होकर मैच विजेता बनने की उम्मीद करना है। श्रेयस अय्यर ने अपनी वापसी के बाद से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दबाव की परिस्थितियों में उनकी परीक्षा नहीं हुई है। ऋषभ पंत की हालांकि निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के लिए आलोचना की जाती रही है। कोहली ने कहा, ये अगली कुछ श्रृंखलाएं ये देखने के लिए बहुत रोमांचक होगी कि कौन दबाव भरे हालात में अच्छा प्रदर्शन करता है, और जब शीर्ष क्रम में मैं या रोहित या फिर लोकेश राहुल या शिखर नहीं चलते तो वह कैसा खेल दिखाते हैं। इस तरह से भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और मोहम्मद शमी श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं तो ये श्रृंखला नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर के लिए ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में चयन के लिए अपना दावा पेश करने का अच्छा मौका मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में, आपको कई विकल्पों और बैकअप तैयार रखने की जरूरत होगी।